भाइयों बहनों, हमारी सरकार एक नई अप्रोच के साथ बीज से बाजार तक, खेत से कलहान तक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है। जो बातें लोग पहले नामुमकिन समझते थे उन्हें मुमकिन कर रही है। पिछले 4.5 वर्षों में सरकार द्वारा 2 चरणों में 17 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। यूरिया की 100% नीम कोटिंग का फैसला लेकर हमने खाद का दुरुपयोग, खाद की चोरी रोका है। अच्छे बीज के लिए हमने रिसर्च को बढ़ावा दिया है। साथियों, खेती पर होने वाला खर्च कम करने की कोशिश के साथ साथ किसान को पैदावार की उचित कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। ये हमारी सरकार ही है जिसने एमएसपी पर किसानों की बरसों पुरानी मांग को भी पूरा किया है। रबी और खरीफ की 22 फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना से भी अधिक तय किया गया है। और भाइयों बहनों, आज जो किसान के नाम पे गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, 2007 से एक एमएसपी की फाइल उनके पास पड़ी थी, फाइल दबा करके बैठ गए। अगर 2007 में आपने निर्णय कर लिया होता, मेरा देश का किसान कभी कर्जदार नहीं हुआ होता। ये आपका पाप है, ये आपकी बेईमानी है जिसने मेरे देश के किसान को तबाह किया है। भाइयों बहनों, मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बनाई गई। भाइयों और बहनों, किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले और उसकी लागत कम हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इनाम प्लेटफॉर्म से देश भर की सैकड़ों मंडियों को जोड़ने का काम चल रहा है। इससे किसानों को सीधे देश भर की किसी भी मंडी में ऑनलाइन अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलेगा। इससे कोई बिचौलिया कीमतों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगले 1-2 वर्षों में इस माध्यम का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है। साथियों, किसान अपनी आय 2 गुनी कर सके, इसके लिए सरकार खेती के पारंपरिक तौर तरीकों के अलावा अन्य विकल्पों को भी बढ़ावा दे रही है, जैसे मधुमक्खी पालन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेशम का उत्पादन, सोलर फार्मिंग। ऐसे अनेक नए क्षेत्रों में हम किसान को आगे ले जा रहे हैं। इसके अलावा पशुपालन और मछली पालन के लिए तो हमारे प्रयास निरंतर जारी है। भाइयों और बहनों, खेती हो या दूसरे व्यवसाय, इन सभी को विस्तार देने के लिए बैंकों से ऋण की सुविधा को भी बहुत आसान बनाया गया है। इसी का परिणाम है कि पिछले वर्ष 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कृषि ऋण किसानों को दिया गया।